हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका निवेश विद जयेश के साथ। आज हम दुनिया की सेकेंड मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं और वो है इथेरियम। जी हाँ दोस्तों, इथेरियम ये कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये एक ओपन सोर्स है। जैसे कि बिटकॉइन है वैसे ये एक ओपन सोर्स है ये, और ये पब्लिक है। इसे लेने के लिए हमें कोई भी लाइसेंस या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती, ये हम डायरेक्टली भी ले सकते हैं क्योंकि ये ओपन पब्लिक सोर्स है। अभी बात की जाए इथेरियम की, तो इथेरियम के ओनर है विटेरिक ब्यूटेरिन। जी हाँ दोस्तों, विटेरिक ब्यूटेरिन ये पहले जब स्कूल लाइफ में थे तब बिटकॉइन पे बहुत से चीज़ें लिखा करते थे, पर उन्हें कोई सीरियसली नहीं लिया। फिर जब वो 19 साल के हुए और वो जब कॉलेज में गए तब उन्होंने इस प्रोजेक्ट में, जिसका नाम उन्होंने लिखा इथर, इथर ये क्रिप्टो करेंसी है, इसका शॉर्ट फॉर्म है ETH, तो इसका वाइट पेपर रिलीज़ किया। वाइट पेपर रिलीज़ करते ही उन्होंने 2014 में इसका ICO निकाला, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, और तब उसने अपने दोस्तों को या फिर अपने रिलेटिव से कहा कि आप ये ICO में भाग लीजिए ताकि मैं ये ब्लॉकचेन बना सकूं। और तब इस ICO का प्राइस रखा गया था $0.04, और बाद में जब ये लॉन्च हुई थी 2015 में तो ये $18 पे लॉन्च हुआ था, और आज तो आपको पता ही है कि ये लगभग 1000 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब जैसे कि हम जानते हैं बिटकॉइन में क्या है कि ट्रांजेक्शन्स सिक्योर होते हैं या फिर हम ट्रांजेक्शन का डाटा यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन इथेरियम में एक और ख़ास बात थी। इथेरियम में हमें मिलते थी सॉलिडिटी, जिसे हम कहते हैं कोई भी एग्रीमेंट जो कि ओपन एग्रीमेंट था, ओपन टर्म्स एंड कंडीशन थे, ओपन सोर्सेस थे। अब सॉलिडिटी ये यूज़ क्यों की गई, क्योंकि विटेलिक बुटेरिन नहीं चाहते थे कि ये सिर्फ डाटा ट्रांसफ़र के लिए काम है, तो इस पर कॉन्ट्रैक्ट बने, इसीलिए इसे सॉलिडिटी स्क्रिप्ट में रन किया गया। अब ये सॉलिडिटी होती क्या है कि सपोज़ मैं हूँ यहाँ बैठा हुआ और मुझे मुंबई से कोई सामान मंगाना है, तो उस वक्त मैं क्या करूँगा कि जो भी ट्रांसपोर्टर है उसे कह दूँगा कि अगर तू 2 दिन में आएगा तो तुझे पूरा पेमेंट मिलेगा, अगर तू 3 दिन लगाएगा तो मैं 50% पेमेंट काट लूँगा, या फिर 3 दिन से ज़्यादा लेट हुआ तो मैं ट्रांसपोर्टर को कोई भी चार्ज नहीं दूँगा। अब ये बातें जो है वो तो एक मुझे बॉन्ड पे करनी होगी या फिर कोई नोटरी बनानी पड़ेगी, लेकिन ये जो प्रोसेस है इथेरियम की, जिसे हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं या फिर हम सॉलिडिटी कहते हैं, इसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, ना बॉन्ड्स की ज़रूरत है, ना कोई नोटरी की, ना कोई रजिस्ट्री की। हम क्या करेंगे, उस सॉलिडिटी में ये टर्म्स डाल देंगे और उसे ब्लॉकचेन पे अटैच कर लेंगे, और सामने वाला जो ट्रांसपोर्टर है उसकी लिंक ब्लॉकचेन पे अटैच कर लेंगे। तो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा उसे अपने आप पेमेंट हो जाएगी। अगर वो मेरे हिसाब से 2 दिन में आया तो उसे पूरी पेमेंट हो जाएगी, 3 दिन बाद आया तो उसे 50% पेमेंट होगी, और 3 दिन से ज़्यादा लेट किया तो फिर उसे कोई पेमेंट नहीं होगी। तो इसीलिए ये इथेरियम को इतना पॉपुलर कहा जाता है। अब तो इथेरियम ब्लॉकचेन पे NFTs भी काम करते हैं। आपको अगर NFTs के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और देखने के लिए थैंक यू।